नमस्कार, मैं पूजा, बिहार टेक्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की सुर्खियां। भोजपुरी में बोले पीएम मोदी, कहा कोरोना लॉकडाउन के दौरान बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सराहनीय काम किया। भारत नेपाल ने सीमा विवाद सुलझाने उतारी संयुक्त सर्वे टीम, ईस्ट चंपारण जिले में शुरू हुई मापी। सीएम नीतीश के साथ मंच साझा करने वाले विधान परिषद के सभापति निकले कोरोना पॉजिटिव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कराई जांच। समस्तीपुर के डीपीओ की कोरोना से मौत, पटना एम्स में थे भर्ती, शिक्षा विभाग ने जताया दुख। आकाशीय बिजली गिरने से 18 की मौत, 11 लोग झुलसे, पटना मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश। गोपालगंज में जदयू विधायक पप्पू पांडे की करीबी को बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े मारी गोली। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के लिए आरजेडी को दी गई अल्टीमेटम की मियाद खत्म, मांझी की पार्टी बोली अब हम स्वतंत्र। तेज प्रताप मथुरा में 7 दिनों से कर रहे पूजा पाठ। पटना एयरपोर्ट पर 3 युवक गिरफ्तार, नकली पहचान पत्र पर जम्मू जा रहे थे। जॉर्ज फर्नांडिस की बायोपिक करने वाले थे सुशांत सिंह राजपूत। अब देश दुनिया की सुर्खियां। पहले सरहद पर जाकर चीन को कड़ा संदेश, फिर पीएम मोदी ने ड्रैगन को समझाई बुद्ध नीति। रेलवे ने कहा नहीं जाएगी किसी की नौकरी, कुछ लोगों का बदलेगा जॉब प्रोफाइल। भारत को एक और झटका देने की तैयारी में श्रीलंका, पोर्ट टर्मिनल परियोजना की करेगा समीक्षा। इजराइल ने बर्बाद किया ईरानी परमाणु ठिकाना, F-35 विमानों ने मिसाइल अड्डे पर गिराए बम। वेस्ट इंडीज से मुकाबले के लिए इंग्लैंड ने किया 13 सदस्यीय टीम का ऐलान, बेन स्टोक्स होंगे कप्तान। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सेवा ही संगठन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के भाजपा कार्यकर्ता अभिनंदन के पात्र हैं। बाकी लोग कहते थे कि पूर्वी भारत में ज्यादा गर्मी है, वहाँ कोरोना ज्यादा फैलेगा, लेकिन आप लोगों ने सबको गलत साबित कर दिया। पीएम मोदी ने यह बातें भोजपुरी में कही। पीएम मोदी ने बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं देख रहा हूँ कि यूपी और बिहार जैसे राज्यों के लिए काफी चुनौती है। आप लोगों ने वापस आए श्रमिकों के कल्याण करने का बीड़ा उठाया है। संकट की घड़ी में आगे भी ऐसे ही जी जान से लगे रहे। पड़ोसी देश के साथ भारत के रिश्तों में खटास के बीच भारत नेपाल संयुक्त फील्ड सर्वे दल ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए जमीन को मापने का काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भारत नेपाल सीमा पर बिहार के ईस्ट चंपारण जिले के डाका ब्लॉक में मापी शुरू की गई है। खबरों की माने तो देहरादून के 2 सदस्यीय लैंड सर्वे टीम नेपाल के अपने समकक्षीय के साथ जिले के सिकरहना सब डिवीजन के डाका ब्लॉक के अंदर आने वाले बलुआ गुआबड़ी पंचायत के बलुआ गांव में जमीन की मापी शुरू की है। बिहार विधान परिषद के सभापति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभापति के साथ उनकी पत्नी और पुत्र भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले दिनों पार्षद के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे, जो ठीक उनके बगल में बैठे हुए थे। सभापति अवधेश नारायण सिंह की पिछले दिनों जब तबीयत खराब हुई और कोरोना के लक्षण दिखाई पड़े तो उनकी जांच हुई। जांच में उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कोरोना की जांच कराई है। कोरोना संक्रमण से शनिवार को पटना एम्स में इलाज के दौरान समस्तीपुर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सुनील कुमार तिवारी की मौत हो गई। डीपीओ के मौत पर शिक्षा विभाग ने गहरा दुख जताया है। शिक्षा विभाग के प्रवक्ता अमित कुमार ने कहा कि स्व तिवारी एक कुशल पदाधिकारी थे। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के कंधे से कंधा मिलाकर वे काम करते हुए कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे। 1 माह से इनका इलाज एम्स पटना में चल रहा था। बिहार में शनिवार को आकाशीय बिजली गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें भोजपुर के आरा में 7, सासाराम और छपरा में 3-3, पटना और कैमूर में 2-2 और बक्सर में 1 की जान गई है। छपरा में 5, सिवान में 4 और पटना में 2 लोग झुलस गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी लोग खेत में काम कर रहे थे। मरने वालों के परिजन को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। वहीं पटना, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, बक्सर, छपरा, सिवान, सुपौल समेत कई जिलों में करीब 3 घंटे तक भारी बारिश हुई। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई। गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना के नया गांव तुलसिया में जदयू विधायक अमेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे के करीबी एक शख्स को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना शनिवार की सुबह की है। जख्मी 65 वर्षीय नागेंद्र तिवारी को हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद गोरखपुर रेफर किया गया है। घायल नागेंद्र तिवारी के पुत्र रितेश तिवारी जीप अध्यक्ष मुकेश पांडे के खास माने जाते हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आरजेडी को कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का जो समय दिया था वह अब खत्म हो गया है। हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भी इस बात का खुला संकेत देते हुए कहा कि
हमारा अल्टीमेटम खत्म हो गया है। अब किसी भी निर्णय के लिए जीतन राम मांझी स्वतंत्र है, वे जल्द बड़ा फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि मांझी का फैसला गठबंधन की नींव हिला देगा, सीएम का सपना देखने वाले का सपना चूर होगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का ब्रज से लगाव किसी से छुपा नहीं है। पिछले करीब 7 दिनों से तेज प्रताप यादव ब्रज में रहकर राधा कृष्ण के दिव्य क्रीड़ा स्थलों के दर्शन कर रहे हैं। वहीं बिहार चुनाव में राजद की सरकार बन सके इसके लिए पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। धोती कुर्ता धारण करके माथे पर वैष्णव तिलक लगाकर तेज प्रताप यादव साधक वेश में ब्रज भ्रमण पर है। तेज प्रताप यादव कस्बे के बरेली वाली धर्मशाला में रुक रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया है। तीनों नकली पहचान पत्र पर यात्रा कर रहे थे। तीनों को इंडिगो की फ्लाइट से जम्मू जाना था। चेक इन के दौरान CISF को पहचान पत्र पर शक हुआ और उन्होंने युवकों की कड़ी पूछताछ की। तीनों युवकों की पहचान सुपौल निवासी अब्दुल समर, अयूब खान और कुंदन कुमार के रूप में हुई है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद शिवसेना नेता संजय रावत ने अपने एक लेख में बताया है कि वह भारत पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की बायोपिक बनाना चाहते थे। उन्होंने बताया कि इस बायोपिक के लिए उन्होंने 2-3 एक्टर्स के नाम फाइनल किए थे, जिनमें सुशांत सिंह राजपूत एक थे। हालांकि संजय रावत ने अपने लेख में खुलकर तो यह नहीं बताया कि जॉर्ज फर्नांडिस की बायोपिक अब बनेगी या नहीं, लेकिन उन्होंने इतना जरूर लिखा है कि सुशांत के निधन के बाद पर्दे का जॉर्ज पर्दे के पीछे चला गया। लेह से खरी कोटी सुनाने के अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को बुद्ध नीति का पाठ पढ़ाया। शनिवार को धर्म चक्र दिवस व आषाढ़ पूर्णिमा के मौके पर वर्चुअल बौद्ध सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि हम बुद्ध के विचारों से चुनौती से निपटेंगे। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के सामने असाधारण चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए इनका हल भगवान बुद्ध के आदर्शों से निकल सकता है। वे पहले भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। रेलवे ने कहा कि ना तो किसी की नौकरी जा रही है और ना ही भर्तियां कम करने की कोई योजना है। हालांकि रेलवे ने ये जरूर कहा है कि आने वाले समय में रेलवे कर्मचारियों की जॉब प्रोफाइल बदली जा सकती है। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच खबर आई थी कि रेलवे ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नए भर्तियों पर रोक लगाने का फैसला किया है। साथ ही यह खबर भी आई कि रेलवे पिछले 2 सालों में निकाल गए पदों की समीक्षा करेगा और 50% पदों को सरेंडर भी किया जाएगा। इसके लिए रेलवे की तरफ से बाकायदा एक नोटिस जारी किया गया था। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका भारत को एक और झटका देने की तैयारी कर रहा है। कोलंबो पोर्ट पर बनने वाली भारत की ईस्ट कंटेनर टर्मिनल यानी ECT परियोजना और जया कंटेनर टर्मिनल यानी JCT की समीक्षा के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने एक समिति का गठन किया है। 5 सदस्यों वाली इस कमेटी के प्रमुख शिपिंग मंत्रालय के सचिव MMPK मायाडुने हैं। माना जा रहा है कि श्रीलंका यह सब चीन के दबाव में कर रहा है, क्योंकि आर्थिक संकट में फंसे देश को चीन $50 करोड़ का कर्ज दे रहा है। इसराइल और उसके धूर विरोधी ईरान के बीच साइबर अटैक चरम पर है। ताजा घटना में इसराइल ने जोरदार साइबर हमला करके ईरान के परमाणु ठिकानों में 2 विस्फोट करा दिए। इनमें से एक यूरेनियम संवर्धन केंद्र है और दूसरा मिसाइल निर्माण केंद्र। यही नहीं, इसराइल ने अपने घातक F-35 फाइटर जेट की मदद से ईरान की पर्चिंग इलाके में मिसाइल निर्माण स्थल पर धावा बोला और उसे बर्बाद कर दिया। कोरोना वायरस के खौफ को पीछे छोड़ते हुए इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमें पहली टेस्ट के लिए तैयार है। 8 जुलाई से साउथहैम्पटन के द रोज बाउल स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 13 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।